ट्विटर सोशल मीडिया का सबसे पहले खबर देने वाला ऐप। जब भी कोई खबर आती है तो सबसे पहले ट्विटर पर ही ब्रेक होती है, लेकिन जब से दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने इसे खरीदा है तब से ये किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में बना रहता है। अब ट्विटर बुधवार और गुरुवार की दरमियान रात हजारों यूजर्स के लिए डाउन रहा। तमाम यूजर्स को लॉगिन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब से एलन मस्क ट्विटर के नए सीईओ बने हैं तभी से इस प्लेटफॉर्म को लेकर हर रोज कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता रहता है। ताजा खबर के मुताबिक गुरुवार को बड़े पैमाने पर लोगों को लॉगिन करने में परेशानी आई। यूजर्स के ट्विटर में लॉगिन करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यूजर्स जब डेस्कटॉप या लैपटॉप पर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यूजर से दोबारा लॉगिन करने को कहा जाता है और जब लॉगिन की कोशिश करते हैं तो स्क्रीन पर सारे ऑप्शंस गायब हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जब यूजर्स लॉग आउट पर क्लिक कर रहे हैं तो पेज लोडिंग शुरू जैसी दिक्कत यूजर्स की तरफ से आ रही है। तो जब डेस्कटॉप पर लॉगिन करने की कोशिश की गई तो समथिंग वेंट रॉन्ग, बट डोंट फ्रेट, इट्स नॉट योर फॉल्ट, लेट्स ट्राई अगेन का मैसेज आता है। ये एरर आने के बाद नीचे दो ऑप्शन होते हैं जिस पर रिफ्रेश और लॉग आउट लिखा होता है। बता दें कि ये परेशानी ज्यादातर लोगों के साथ हो रही है। अगर हम रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करते हैं तो ऊपर वाला एरर दोबारा आ जाएगा। अगर आप लॉग आउट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो पेज लोडिंग शुरू हो जाती है और फिर ऑप्शन भी गायब हो जा रहे हैं। अब इस समस्या को देखकर तो यही लगता है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने जब से ट्विटर खरीदा है तभी से ट्विटर को लेकर कुछ ना कुछ खबरें चलती रहती हैं। ब्लूटिक के लिए चार्ज और अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखने वालों के लिए अलग अलग तरह वेरिफिकेशन टिक दिए गए। इसके अलावा कई अन्य बदलाव भी देखने को मिले। बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा यूजर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में शाम को करीब 7:40 पर इस समस्या को साझा किया था। कुछ यूजर्स ने ये भी शिकायत की कि उनके ट्विटर नोटिफिकेशन काम नहीं कर रहे। वहीं भारत में भी गुरुवार की सुबह तमाम यूजर्स ने इस मामले की शिकायत और प्रिंट शॉट शेयर किए। बता दें कि अरबपति एलन मस्क ने $44 अरब के सौदे में ट्विटर को खरीदा है। तब से कई नई सुविधाएं लाने के लिए वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कार्यभार संभालते ही 75% कर्मचारियों को हटा दिया या फिर वो खुद छोड़कर चले गए, जिस वजह से बार बार ऐसी दिक्कतों से ट्विटर को दो चार होना पड़ रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।